देखिए, आज हम लोगों की जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जी हाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या सरकार में तानाशाही के लक्षण दिखाई दे सकते हैं कि नहीं दिखाई दे सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि इतिहास में हम अक्सर देखते हैं और सुनते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बावजूद भी हमारे देश में सरकार में तानाशाही जैसी प्रवृत्ति या स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। और कभी कभी ये भी है कि राजतंत्र होने के बावजूद भी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक है वो टॉपिक यही है, क्या लोकतांत्रिक आप लोग नोट करते चलिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार में तानाशाह की विशेषताएं देखने को मिल सकती हैं। ये आज हमारी टॉपिक है, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार में तानाशाह की विशेषताएं देखने को मिल सकती हैं। यदि मिल सकती है तो वह परिस्थितियां कौन सी है या किस स्थिति में देखने को मिलती है इस कंडीशन को भी हम देखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार में तानाशाह की विशेषताएं देखने को मिल सकती है? यदि मिल सकती है तो वह परिस्थितियां कौन सी है या किस स्थिति में देखने को मिलती है? क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो ये आज हमारे जो टॉपिक है ये टॉपिक है, और इसी टॉपिक को आज हम लेकर आए हैं। और इस टॉपिक को समझने के लिए आप तभी समझ पाएंगे भारत के संदर्भ में जब आपको भारत के संविधान की अच्छी समझ होगी, तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं, अन्यथा इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। बात समझ मारी नहीं? तो वो विशेषताएं, वो परिस्थितियां अभी हम आपको बताएंगे कि वो परिस्थितियां कौन सी होगी जहां पर सरकार में तानाशाह की जैसी परिस्थितियां देखने को भारत में मिल सकती है। क्लियर, भारत में देखने को मिलती है या देखने को कभी कभी ऐसे परिस्थितियां बनी भी है कि जहां पर ये तानाशाही की परिस्थितियां देखने को मिलती है। कुछ लोग ने कहा भी कि जो हमारे देश के ये प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, इनमें जो विशेषताएँ, जो इन्होंने नियम, जो कानून लाए, ये तानाशाह की क्या है, विशेषताएँ हैं। लेकिन ये तानाशाह की विशेषताएं कब देखने को मिलती हैं, आज यही हमारे क्या है, मुख्य टॉपिक है। आज हमारे यही मुख्य टॉपिक का क्या है, चर्चा है। क्लियर, तो अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको इसके विश्लेषण करने के लिए क्या क्या समझना होगा, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको जानने के लिए हम क्या और समझेंगे। तो इसको समझने के लिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार किस तरीके से तानाशाह बन सकती है, जो अभी आपने लिखा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाह की प्रवृत्ति किन परिस्थितियों में देखने को मिल सकती है, तो इसके लिए आपको क्या क्या जानना आवश्यक है। तो इसके लिए आपको ये जानना आवश्यक है
कि पहले हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि यानी कि इसकी भूमिका बनाने की कोशिश करेंगे। तो पृष्ठभूमि में क्या क्या हम लोग चर्चा करेंगे ये देखेंगे, पृष्ठभूमि। और दूसरी चीज, ये जो हम आपको बता रहे हैं तो इसके लिए आपको दो माध्यम समझने होंगे, सैद्धांतिक रूप में, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो सैद्धांतिक रूप से बात करता है, और व्यवहारिक रूप में। व्यवहारिक रूप में इस पर हम चर्चा करेंगे, और एट लास्ट में हम निष्कर्ष देना चाहेंगे। निष्कर्ष ये देना चाहेंगे कि यह व्यवस्था कहाँ तक सकारात्मक है, हो सकती है, और ये व्यवस्था कहाँ तक नकारात्मक हो सकती है। तो यानी कि हम इसके सकारात्मक पक्ष पर भी चर्चा करेंगे और इसके नकारात्मक पक्ष पर भी चर्चा करेंगे। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि तानाशाह की प्रवृत्ति दिखाई देती है तो इसके सकारात्मक पक्ष क्या हो सकते हैं, यानी कितना अच्छा है और कितना बुरा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्लियर? अब हम ये देखते हैं, पहली चीज़ आप ये चीज़ जान लीजिए, पृष्ठभूमि में अगर हम देखें लोकतांत्रिक व्यवस्था और तानाशाह किसकी व्यवस्था है, तो दो शब्दों का हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में लोकतंत्र होता क्या है। आप बार बार ये शब्द सुनते हैं लोकतंत्र, और एक शब्द आप सुनते हो राजतंत्र, एक शब्द आप सुनते हैं राजतंत्र, और दूसरा शब्द आप सुनते हैं लोकतंत्र। और मैं आपको बता दूं, जो तानाशाह की प्रवृत्ति का जो लक्षण होता है, जो तानाशाह की विशेषता होती है, तो तानाशाह यानी कि राजतंत्र में तानाशाह की विशेषता दिखाई देती है। तानाशाह की विशेषता कहाँ दिखाई देती है? राजतंत्र में दिखाई देती है। और लोकतंत्र का मतलब क्या है कि यहाँ पर तानाशाह नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है कि लोकतंत्र मतलब जनता की सरकार, लोकतंत्र मतलब जनता की सरकार। और जनता की सरकार में कभी भी जो किंग है, जो हमारे देश के सर्वोच्च पद है या जो हमारे सरकारें हैं, वो तानाशाह नहीं होगी। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम इसमें जनता का क्या होना चाहिए, जनता का कल्याण होना चाहिए। अब ध्यान से सुनते जाना आप लोग, लोकतंत्र का मतलब जनता का कल्याण होना चाहिए। क्लियर? लोकतंत्र का मतलब जनता का कल्याण। अगर हम लोकतंत्र में जनता की सरकार कहते हैं तो इसका मतलब जनता का कल्याण होना चाहिए। क्लियर? एक एक चीज को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? लोकतंत्र का मतलब जनता का कल्याण, और जनता का कल्याण तब होगा जब लोकतंत्र में जो संप्रभुता होगी, यानी कि संप्रभुता, संप्रभुता जनता के हाथों में होगी, संप्रभुता जनता के हाथों में होगी। किसके हाथों में होगी? जनता के हाथों में होगी। अब जनता के हाथों में संप्रभुता होगी तभी तो जनता का कल्याण होगा। अगर संप्रभुता जनता के हाथों में होगी तभी जनता का कल्याण होगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब साफ साफ है कि हमारे भारत के नागरिकों को सत्ता पर किसको बैठाना चाहिए और सत्ता से किसको उतारना चाहिए, ये पूरा अधिकार किसको दिया गया है? जनता को दिया गया है। कि सत्ता पे कौन बैठेगा, कौन व्यक्ति बनेगा, इस बात का निश्चय करना किसके पास होता है? जनता के पास है। तो जब ये बात निश्चय करने का अधिकार जनता के पास है, तो हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं ना कि जनता के पास संप्रभुता है कि नहीं है? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। क्लियर? इसको बहुत सुनिएगा। दूसरी चीज हम ये देखते हैं, राजतंत्र में तानाशाह, अच्छा अब इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक, अब देखना, इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश की सरकार, हमारे देश की सरकार
तानाशाह हो सकती हैं? तानाशाह नहीं हो सकती है, तानाशाह नहीं हो सकती है, तानाशाह नहीं हो सकती है। सीधे सीधे कह सकते हैं, जब जनता को यह अधिकार दिया गया हमारे संविधान में, तो हमारे देश की सरकार क्या तानाशाह हो सकती है? लेकिन हमने अभी क्या कहा, अभी इसके पहले मैंने जो टॉपिक में कहा कि वो कौन सी परिस्थितियां हो सकती है जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बावजूद भी हमारे देश के सरकार में तानाशाह की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन वो परिस्थितियां तो इस तरीके से हम दे सकते हैं कि हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार तानाशाह नहीं हो सकती है। सीधा सीधा आंसर ये है कि हमारे यहाँ जो संप्रभुता है वो किसके हाथों में? जनता के हाथों में। लेकिन राजतंत्र में अगर आपसे कहा जाए, राजतंत्र में संप्रभुता किसके हाथों में होती है, तो राजतंत्र में संप्रभुता जनता के हाथों में होती है, सॉरी संप्रभुता राजा के हाथों में होती है। किसके हाथों में? राजा के हाथों में होती है। अब इसका मतलब समझिए, आप ये बताइए, राजतंत्र में यही होता है, राजा का लड़का राजा ही होता है ना, तो राजा ये तय करेगा कि कौन अगला राजा बनेगा। क्या जनता के पास ये अधिकार है? ये तो राजा के अधिकार है, ये तो प्रजा का अधिकार नहीं, ये तो राजा का अधिकार है। राजा जिसको योग्य समझेगा उसी को गद्दी पर बैठाएगा, यानी कि भारत का राजा बनाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर राजा तानाशाह बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्योंकि वो किसी के नियंत्रण या दबाव में काम नहीं करता है। राजतंत्र में उनके यहाँ जो नियम कानून है वो यही नियम कानून है कि यहाँ पर जो व्यक्ति निर्णय लेने का अधिकार होगा पूरी तरीके से राजा का होगा। और आप ये देखें, भारतीय इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत तक का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, जब जब राजतंत्र था तब तब राजा अपनी मनमानी करता था कि नहीं करता था? मनमानी करता था। लेकिन जब से हमारे देश में संविधान लागू हुआ, तो क्या हमारे देश का कोई भी पीएम अपनी मनमानी कर सकता है? क्या कोई राष्ट्रपति मनमानी किया है? नहीं किया है। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी भी देखने को भारत में मिली हैं कि हमारे देश के पीएम ने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं कि कुछ विशेषज्ञ और कुछ विद्वानों ने कहा कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लक्षण नहीं है, बल्कि ये किस प्रकार की व्यवस्था के लक्षण है? राजतंत्र की व्यवस्था के लक्षण है। क्लियर? अब वो परिस्थितियां कब बनी, अभी हम उसको एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। पहले ये समझने का प्रयास करिएगा। तो तानाशाही की विशेषताएं ये दिखाई देती है। आप बगल में जाइए, कह दीजिए कि क्लास चल रहा है, डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये विशेषताएं यहां पे देखने को मिलती हैं। क्लियर? अब देखना, आप अगर हम इस चीज की बात करें तो राजतंत्र में संप्रभुता राजा के हाथों में होती है, और राजा पूरी तरीके से यहां पे क्या बन सकता है? तानाशाह बन सकता है। क्लियर? लोकतांत्रिक व्यवस्था में संप्रभुता जनता के हाथों में होती है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के हाथों में होगी तो सवाल ही नहीं होता है कि भारत का कोई राजा तानाशाह बन सकता है। आप देखते हैं सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में। अब इस चीज को समझने के लिए आपको ये समझना होगा भारत के संविधान को। किसको समझना होगा? भारत के संविधान को समझना होगा। अब भारत के संविधान में आप दो तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ध्यान से। अब धीरे धीरे हम अपने टॉपिक की तरफ एक्चुअल में बढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। भारत के संविधान में आपको ये देखना पड़ेगा, मैं आपको एक चीज यहां बताना चाहूंगा कि अगर हम इसकी बात करते हैं भारत के सैद्धांतिक रूप में, तो हमारे देश का जो पीएम है या हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, यहां पर कभी भी तानाशाह जैसी प्रवृत्तियां नहीं पाई जा सकती। यानी कि तानाशाही व्यवस्था हमारे लोकतंत्र में तो हो ही नहीं सकता है, व्यवस्था में नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता, अभी हम आपको बताते हैं।
अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखेंगे, संविधान की भारत में देखेंगे, सैद्धांतिक तरीके से जो भारत के संविधान में नियम और कानून बनाए गए हैं, तो हमारे देश का जो किंग है या हमारे देश के जो वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था में पीएम है, वो कभी तानाशाह नहीं बन सकते हैं। क्लियर? लेकिन व्यवहारिक रूप में वो परिस्थितियां कभी कभी बन जाती है जिससे कि तानाशाह के जो पीएम के द्वारा जो कुछ निर्णय लिए जाते हैं, उस निर्णय के आधार पर विपक्षी पार्टी हमेशा ये कहती है कि ये तानाशाह के गुण है। विपक्षी पार्टी का ये आरोप हमेशा लगा रहता है। ठीक है, अब वही देखना है कि सैद्धांतिक में तो नहीं है हमारे संविधान में, लेकिन व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो व्यवहारिक रूप में कभी कभी सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, उस निर्णय के आधार पर कभी कभी विपक्षी पार्टी या कुछ विशेषज्ञ लोग ये कहते आए हैं कि ये तानाशाह का क्या है, ये तानाशाह का गुड़ पाया जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तानाशाह के क्या पाया जाता है? गुड़ पाया जाता है। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं कि ये तानाशाह के गुड़ पाए जाते हैं? नोट करते जाइए, जहां ना समझ में आए वहां आप लोग पूछते भी जाइएगा। क्लियर? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि सैद्धांतिक रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता संप्रभुत है, लेकिन व्यवहारिक रूप में कभी कभी हमारे देश की सरकार कुछ ऐसे निर्णय लेती है कि विपक्षी पार्टी ये कहता है कि नहीं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, यहाँ जनता के कल्याण की बातें ही नहीं की जा रही है, सभी वर्गों को साथ में लेकर नहीं किया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर तानाशाह की विशेषता दिखाई देती है। और ऐसा निर्णय हमारे देश की सरकार कब लेती है, किन परिस्थितियों में लेती है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? क्लियर? एक चीज आपको मैं और बता देना चाहता हूं, जो अभी हमने आपको बताया, अब एक चीज ये आपसे कोई पूछे कि आखिर में लोकतंत्र के लिए अगर कोई बात करे तो लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी थी? सबसे बड़ा, लोकतंत्र का मतलब न्याय। लोकतंत्र का मतलब क्या है? न्याय होना चाहिए। और न्याय किसके लिए होना चाहिए? जनता के लिए होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस देश में अगर न्याय नहीं है, न्याय कैसे होगा? न्याय का मतलब ये होता है कि अधिकार, हर व्यक्ति को अधिकार उनके कर्तव्यों के अनुसार मिलना चाहिए। जिस व्यक्ति का जिस तरीके से कर्तव्य है, वो उस कर्तव्य के ओरेज में उसका क्या है, अधिकार मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आप कर्तव्य कर रहे हैं, आपके काम के बदले आपके साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। सीधे शब्दों में यही क्या है? न्याय है। अब न्याय आप देखो, मैंने आपको पढ़ाया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार का न्याय है। एक न्याय देखेंगे सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, एक देखेंगे आप आर्थिक न्याय, और एक आप देखेंगे राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार की न्याय बताई गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये तीनों प्रकार की न्याय जहां देखने को मिलेगी, वहां पे किसकी व्यवस्था, यानी कि किस व्यवस्था के लक्षण पाए जाएंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था के लक्षण पाए जाएंगे। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था की कई विशेषताएं हैं, राजतंत्र की भी कई विशेषताएं हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे मजबूत आधार यही है कि जनता का अधिकतम क्या होना चाहिए? कल्याण होना चाहिए। क्लियर? कल्याण होना चाहिए। अब जहां पर ये तीनों प्रकार के न्याय होंगे, वहां पर समझ जाइए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषताएं दिखाई दे रही हैं। पहला चीज। दूसरा चीज आप ये भी देखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक व्यवस्था के और भी विशेषताएं पाए गए। कौन कौन सी विशेषताएं? समाजवादी शब्द उपयोग किया गया है। इसके अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंथ निरपेक्ष, ये सारी बातें कही गई हैं कि नहीं की गई? ये सारी बातें, इसके अलावा और भी बातें कही गई हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या है, विशेषताएं हैं। क्लियर?
अब बहुत ध्यान से समझिए, मैं आपको बताने वाला क्या हूं। अगर जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से है, अगर उस देश में ये विशेषताएं नहीं पाई जाएंगी, तो हम ये कह सकते हैं ना कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था न होने के साथ साथ कैसी व्यवस्था है? राजतंत्र व्यवस्था है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब वहीं पे देखना, राजतंत्र में अगर हम बात कर लें, इस शासक का नाम बात कर लें, जैसे राजतंत्र में बहुत सारे शासक होंगे, नाम देखेंगे तो आपको एक नाम मिलेगा घनानंद, बिम्बिसार, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, ये सब राजतंत्र के शासक हैं। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे भी शासक आपको देखने को मिलते हैं जो राजतंत्र होने के बावजूद भी वो अपने शासनकाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाए थे। जैसे अशोक का नाम ले लें, सम्राट अशोक का नाम ले लें, आप जरा अशोक की याद करो। अशोक ने यहां तक कह दिया था कि सारी प्रजा मेरे पुत्र के समान है। कहने के लिए तो राजतंत्र व्यवस्था है, कहने के लिए कैसे व्यवस्था है? राजतंत्र की व्यवस्था है। लेकिन इस राजतंत्र की व्यवस्था में अशोक के अभिलेखों में जो विशेषताएं दिखाई दी गई, उस विशेषताएं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था के होने के बावजूद भी उसने किस व्यवस्था को फॉलो किया था? लोकतंत्र के। अब इस व्यवस्था को समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र व्यवस्था की विशेषताओं को समझने के लिए उसने अपने 14 शिलालेखों में, 14 बृहद शिलालेखों में, अभिलेखों में उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने का क्या किया था? प्रयास किया था। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज जिस तरीके से हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जो कर्तव्य बनाए गए हैं, वही बात अशोक ने अपने 14 शिलालेखों में भी कहा था। यानी राजतंत्र होने के बावजूद भी उसके शासनकाल में जनता के साथ किसी भी प्रकार का न्याय नहीं होता था, और उसके शासनकाल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन तीनों प्रकार की न्याय की भी बात कही गई है। ये बात अलग है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीधे सीधे कहा गया कि संप्रभुता किसके हाथों में होती है? जनता के। लेकिन राजतंत्र में संप्रभुता किसके हाथों में होती है? जनता के, राजा के। लेकिन ध्यान रखना, लोकतांत्रिक व्यवस्था यह भी बातें करता है कि जनता का अधिकतम कल्याण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भले ही अशोक के समय में संप्रभुता अशोक के हाथ में क्यों ही ना हो, लेकिन इसके शासनकाल में जनता का अधिकतम कल्याण हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अगर इस तरीके से राजतंत्र होने के बावजूद भी जनता का अधिकतम कल्याण हो, तो हम ये कह सकते हैं सैद्धांतिक रूप से भले ही राजतंत्र था अशोक का शासनकाल, लेकिन व्यवहारिक तौर से लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की विशेषताएं दिखाई देते थे कि नहीं? व्यवहारिक रूप में दिखाई देते थे कि नहीं दिखाई देती थी? और आज अगर हम ये कहें कि अगर हमारे गवर्नमेंट की सरकार हो, भले ही जनता चुनती हो, लेकिन अगर जनता के साथ अगर जिस देश में, विश्व में या अपने देश में किसी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, समाजवादी और पंथ जैसे विचारधाराओं को लागू न किया जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि सैद्धांतिक रूप से हम भले ही लोकतंत्रात्मक है, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम कैसे हैं? राजतंत्रात्मक हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? अब इस चीज को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। अब हम अपने भारत के संविधान पे आते हैं। इसी तरीके से दुनिया के सभी देशों के संविधान में कुछ थोड़ा बहुत अंतर के साथ अंतर पाया जाता है। क्लियर? आइए देख लेते हैं। यहां तक किसी का क्वेश्चन? इतनी बातें समझ में आई ना? क्लियर? अब ये देखेंगे, ये तो पृष्ठभूमि हो गया। अब हम इस टॉपिक पे, मेन मुद्दे पे आते हैं, और यही आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है। अब देखिए, निष्कर्ष में हम सकारात्मक और नकारात्मक में बाद में बात करेंगे। अब हम यहां पर देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो परिस्थितियां कौन कौन सी बनती है जब हम ये कहते हैं कि सैद्धांतिक रूप से हम लोकतंत्र हैं, और व्यवहारिक रूप से हम कैसे, क्या बन सकते हैं? राजतंत्र बन सकते हैं। इस दोनों मुद्दे पर बहुत ध्यान से चर्चा करना। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैंने कहा दो तरीके समझेंगे।
एक हम पहलू समझेंगे सैद्धांतिक रूप में, और दूसरा हम देखेंगे किस रूप में, व्यवहारिक रूप में। क्लियर। अब हम लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में दो बातों पर चर्चा करेंगे, एक सैद्धांतिक और दूसरा व्यवहारिक रूप में। क्लियर। इसके पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कि हमारे भारत का संविधान सैद्धांतिक रूप से संघात्मक है लेकिन व्यवहारिक रूप में कैसा है, एकात्मक है। ये टॉपिक से मिलता जुलता ये टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक चीज़ मुझे आप बताओ, इस सैद्धांतिक रूप में समझने के लिए दो चीज़ों का हम आपके सामने लक्षण या विशेषता प्रकट करते हैं। एक मैं आपको ये कहूँगा कि हमारे देश में सत्ता पे जो आसीन लोग हैं, सत्ता पर आसीन लोगों का चुनाव कैसे होता है, तो यानी कि हम एक ये समझाने का प्रयास करेंगे, पहले आप जानो कि चुनाव कैसे होता है, और दूसरा तरीके से हमारे देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। संविधान संशोधन। क्लियर। इन दोनों बातों को समझ लेंगे तभी हम सही आंसर तक पहुंचेंगे। पहले हम ये जानें कि सत्ता पे आसीन लोगों का चुनाव कैसे होता है। अब इसको समझने के लिए हम ये जानेंगे दो स्तर की पार्टी हमारे यहाँ है। एक स्तर की पार्टी हम बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ केंद्रीय स्तर की पार्टी है, और एक हम समझते हैं कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय स्तर की पार्टी है। किस स्तर की पार्टी है? क्षेत्रीय स्तर की पार्टी है। क्लियर। ये केंद्रीय स्तर की पार्टी है और क्षेत्रीय स्तर की पार्टी है। क्लियर। दोनों पार्टी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ एकदम निष्पक्ष रूप से हम अपनी बातों को कहेंगे, और जो विशेषज्ञ हैं इसमें, मैं किसी भी पार्टी के साथ एकदम तटस्थ होकर, आप लोग सुनिए, मैं किसी पार्टी की ना बुराई कर रहा हूँ ना मैं किसी पार्टी की बाय बाय कर रहा हूँ। मेरे देश में संविधान में जिस तरीके से सिस्टम है, और विपक्षी पार्टी समय समय पर अगर आरोप लगाती रहे तो किन आधार पर आरोप लगाती है, एक चीज़ हमारा ये मुद्दा रहेगा। और दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि अगर तानाशाही भी प्रवृत्ति लक्षण दिखाई देती है तो वो किस परिस्थितियों के लिए कहाँ तक सकारात्मक है और कहाँ तक नकारात्मक है, उसके सकारात्मक और नकारात्मक विशेषता भी बताएंगे। क्लियर। अब ये देखना, ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं, बहुत ध्यान समझना। अब देखो, संविधान संशोधन अनुच्छेद नंबर 368 के तहत कई नियम हैं, लेकिन दो ही तरीके से संविधान संशोधन हम यहाँ बात करेंगे। एक आप जानते हैं हमारे यहाँ विशेष बहुमत के आधार पर संविधान संशोधन होता है, और एक आग देखेंगे विशेष बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। अगर आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होगा तब संविधान संशोधन होगा, और विशेष बहुमत होगा तब संविधान संशोधन होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? कहने का मतलब ये है, विशेष बहुमत का अगर हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आप ये जान लेते हैं कि लोकसभा और प्लस राज्यसभा में जो भी सदस्य हैं उपस्थित, और कुल सदस्यों का लगभग कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत और प्लस सदन में उपस्थित 2/3 सदस्यों का क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। और वही ठीक यहाँ पे भी होना चाहिए, पूर्ण बहुमत और प्लस उपस्थित कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य और प्लस आधे से अधिक राज्यों का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। सपोज करिए, एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ 28 राज्य हैं तो अगर इसमें संविधान संशोधन करना होगा तो 14 राज्यों का क्या होना चाहिए, 14 राज्यों का समर्थन होगा। अगर 14 राज्यों का समर्थन होगा तभी कोई बिल, यानी कि जो विधेयक लाया जाएगा उसी विधेयक को क्या किया जाएगा, पास हो सकता है, अन्यथा पास नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तभी विधेयक पास होगा, वो अन्यथा विधेयक पास नहीं होगा। तो एक प्रोसेस ये है। क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा, केंद्र स्तर पर अगर हम बात करें तो केंद्र स्तर पर किसका चुनाव होता है, लोकसभा का,
और राज्य स्तर पर क्षेत्रीय स्तर पर किसका चुनाव होता है? विधानसभा का प्लस विधान परिषद का। और केंद्र स्तर पर लोकसभा का चुनाव होता है प्लस राज्यसभा का चुनाव होता है। राज्यसभा और लोकसभा संसद के दो भाग होते हैं, आपको मैंने बताया था, लोकसभा और राज्यसभा। केंद्र स्तर पर इन दोनों का चुनाव होता है। अब हम समझ लेते हैं कि मान लेते हैं केंद्र स्तर पर जो पार्टी मजबूत पार्टी है, कोई दो पार्टी का नाम लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर कई पार्टी ले लेते हैं, ए बी सी और डी, ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, यानी कि केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कितनी है, ए बी सी डी, तो कुल मान लेते हैं इस समय भारत में अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बात करें तो लगभग 7 पार्टी हैं। तो आपको सिर्फ समझना है, तो मान लेते हैं कि अगर मजबूत पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर ए और बी नाम की दो पार्टी है, ए और बी नाम की, लेकिन यहाँ पर जो मजबूत पार्टी उभर के आ रही है, कौन पार्टी उभर के आ रही है? ए पार्टी उभर के आ रही है। ए पार्टी मजबूत पार्टी के रूप में उभर के आ रही है। और ए पार्टी मजबूत पार्टी के रूप में उभर के कैसे आती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब समझना, ए बी सी डी पार्टी केंद्र में, और यही ए बी पार्टी और बी पार्टी कहाँ है, क्षेत्रीय स्तर पर हैं, और सी पार्टी भी यहीं पर है। बहुत सारे ऐसी पार्टियाँ भी हैं विधानसभा में, क्षेत्रीय स्तर की कई ऐसी पार्टी है, कई ऐसी पार्टी हैं जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है। जैसे अगर हम बात कर लें सपा, तो सपा क्या राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है? तो नहीं है। सपा अगर हम पार्टी कर लें तो ये क्षेत्रीय स्तर की पार्टी है, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और क्षेत्रीय स्तर की पार्टी की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस, ये केंद्रीय स्तर की भी पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर की भी पार्टी है, सॉरी क्षेत्रीय स्तर की भी पार्टी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आप लोगों को? क्लियर? अब देखना, यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है वो केंद्र स्तर पर भी चुनाव लड़ सकती है और राज्य स्तर पर भी चुनाव लड़ सकती है, दोनों स्तर पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी है वो क्षेत्र स्तर पर चुनाव लड़ सकती है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव नहीं लड़ सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, अब ध्यान से सुनना। अब जैसे मान लेते हैं कि चुनाव हुआ, तो यहाँ पर ए पार्टी हम मान लेते हैं, कोई ए पार्टी का नाम ले लेते हैं, ठीक है, ए पार्टी का अगर हम नाम ले लेते हैं तो ए पार्टी क्या है? ए पार्टी चुनाव हुआ, कई पार्टियां खड़ी हुई, लेकिन ए पार्टी क्या हुआ? एक पार्टी इसमें जो हुआ वह मैक्सिमम पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। किसकी सरकार बना ली? पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। अब मैं आपको बता रहा हूँ पूर्ण बहुमत की सरकार क्या होती है। पूर्ण बहुमत की सरकार का मतलब ये होता है कि जितना लोकसभा सदस्यों की संख्या हो, लोकसभा कि जितने सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों के आधे से अधिक, कुल सदस्यों का क्या आधे से अधिक, अगर कोई पार्टी आधे से अधिक कोई पार्टी यदि सीट पर, यानी कि सीट पर विजय हासिल कर लेती है तो हम उसे कहते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार। जैसे मान लेते हैं कि 543 लोकसभा की सीट है, 543 पे अगर 272 सीट अगर ए पार्टी प्राप्त कर गई तो इसका मतलब वो पूर्ण बहुमत की क्या होगी? सरकार होगी। यानी कि कुल लोकसभा के सदस्यों की संख्या में से कोई एक पार्टी अपने दम पर कुल लोकसभा सदस्यों की आधे से अधिक पर सीटों पर कब्जा प्राप्त कर लेती है तो पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती है। लेकिन गठबंधन की सरकार का मतलब ये होता है कि यही 272 सीट हासिल करने के लिए ए बी सी डी या ए बी सी मिलकर अगर सीट हासिल करे 272, तब हम कहेंगे कि ये गठबंधन की सरकार होगी। तब हम क्या कहेंगे? गठबंधन की सरकार होगी। अगर कोई पार्टी अपने अकेले दम पे बना लें तो हम ये कहेंगे कि ये पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। ठीक है, लेक्चर है थोड़ा सा, ये हम कभी नेक्स्ट टाइम और बढ़िया से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग इतनी बात समझ रहेंगे नहीं? ठीक है, पूरा सिस्टम है, अगर इस सिस्टम समझ जाएंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट में मान लेते हैं ए पार्टी की क्या बन गई? सरकार बन गई। बहुत ध्यान से सुनना, अब यही ए पार्टी की सरकार विधानसभा में भी बन गई। ए पार्टी की सरकार किसके बन गई? विधानसभा में बन गई।
और विधानसभा में ये पार्टी की सरकार कितने राज्यों में बन गई? 14 से अधिक राज्यों में, क्योंकि हर राज्यों में विधानसभा का चुनाव होगा ना। जब हर राज्यों में विधानसभा का चुनाव होगा तब इसका मतलब हम कहेंगे कि आधे से अधिक राज्यों में उसकी क्या हो गई, सरकार बन गई। अगर सपोज करिए केंद्र स्तर पर अगर ये पार्टी सरकार बना ली और आधे से अधिक राज्यों में उसने सरकार बना ली, तो संविधान में किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अनुच्छेद नंबर 368 के तहत उसके संविधान संशोधन के सारे दरवाजे खुल गए कि नहीं हो गए? बात समझ में आई? क्योंकि उसको आधे राज्यों में उसका समर्थन मिलना चाहिए, वो पार्टी वहां भी जीत गई। उसको केंद्र में लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए, वहां पे भी वो पार्टी ए नाम की पार्टी जीत गई, और आधे से अधिक राज्यों में ए पार्टी के नाम भी उसकी सरकार बन गई। और कानून में जिस तरीके से बदलाव करना चाहिए उसके कोरम फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं ना। अब सवाल ये होता है कि सर ये तो बात हो गई यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा भी तो न्यायपालिका नाम की चीज है, राष्ट्रपति के नाम की कोई चीज है, राज्यसभा के नाम की भी कोई चीज है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए, अब ये दो चीज तीन चीज जान लीजिए, राज्यपाल और राष्ट्रपति और राज्यसभा, तीन चीज की बात मैं करने जा रहा हूं। इतनी बातें समझ में आ गई ना? यानी कि ए पार्टी की सरकार यदि लोकसभा में बन गई है, ए पार्टी की सरकार आधे से अधिक राज्यों में बन गई है, अब इनकी भूमिका राज्यसभा और राष्ट्रपति में भी देखेंगे। क्लियर? अब देखना, चुनाव के ही संदर्भ में बात हो रही है, चुनाव के संदर्भ में, तो चुनाव में आपने केंद्र स्तर की लोकसभा के देख लिया, और राज्य में आपने किस पर देख लिया? राज्य में आपने क्षेत्रीय पार्टी में विधानसभा के देख लिया। अब इसके अलावा अब हम राष्ट्रपति और राज्यसभा के बारे में बात कर लें, केंद्र स्तर पर और राज्यपाल। अब देखना, अब देखो, जिस तरीके से केंद्र सरकार कोई बिल पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, उसी तरीके से बिल पास करके क्षेत्रीय पार्टी कहाँ भेजेगी? राज्यपाल के पास भेजेगी। ठीक है, 14 से अधिक राज्यों में तो बन ही चुका है, बाय द वे अगर किसी राज्य में नहीं बना तो आप ये देखो कि अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी है, मान लेते हैं विधानसभा के द्वारा कोई बिल पास होता है, तो ये बिल पास होकर कहाँ जाएगा? बिल पास होकर सिग्नेचर के लिए, हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास जाता है। किसके पास जाता है? राज्यपाल। जब तक राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक विधानसभा के द्वारा पास किए गए बिल अधिनियम में नहीं बदलेगा। क्लियर? अब देखना, अब केंद्र स्तर पे आप ये बताओ, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में बात कर लें। अब हम बात कर लें किसके संदर्भ, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? बहुत ध्यान से समझना ये चीजें, राष्ट्रपति का चुनाव और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। अब विधानसभा, किसी भी राज्य की विधानसभा अगर बिल पास करके भेजती है तो किसके पास भेजती है? राज्यपाल के पास भेजती है। अब राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? अब देखो कैसे होता है, आप एक चीज जानते हो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो सुनना, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यही ना। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, विधानसभा में दिल्ली और पांडिचेरी को भी ले लो, तो निर्वाचित सदस्य किसके करते हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं कि नहीं करते हैं? यही हुआ ना। अब देखो कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे सरकार जिसकी बनती है उसका राष्ट्रपति पर कैसे नियंत्रण होता है, ये भी अब मैं आपको बता रहा हूं। अब एक चीज देखना, ये बातें यहां तक तो आपको समझ में आ रही है, ये बातें आपको समझ में आ रही है ना। अब राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? एक्चुअली में राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा को हम राज्यों की सभा बोलते हैं। राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? राज्यों की सभा। अब मैं आपको बता दूं, इसका निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। यानी कि जो ये जो यहां पर है राज्य, ये क्षेत्रीय पार्टी मैंने बताया ना, जैसे सारे राज्यों में विधानसभा की सरकार बनी, तो यही राज्यसभा के सदस्यों को क्या करते हैं?
हाँ यही चुनाव करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करते हैं? जो राज्यों के विधानसभा की सरकारें होती हैं वही राज्यसभा के सदस्यों को क्या करते हैं? चुनते हैं। क्लियर? और राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा राज्यसभा प्लस राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। इतनी बातें समझ में आई? अब समझना, अब इनको कोई बिल पास करवाना है विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा बिल पास कराना है, कानून में विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के द्वारा अन बिल, इन दोनों संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन यह शर्त है, और यह शर्त क्या है? जटिल भी है। इस कानून को पास करने के लिए आपको जरूरी है कि राज्यसभा भी आपके नियंत्रण में होनी चाहिए, राष्ट्रपति भी आपके नियंत्रण में होना चाहिए, राज्यसभा भी नियंत्रण में होनी चाहिए, और विधानसभा में भी आपकी सरकार, यानी कि उस पार्टी का एक पार्टी ए पार्टी नाम का इन सभी पर नियंत्रण होना चाहिए। और कैसे नियंत्रण हो रहा है? अब देखो मैं बता रहा हूँ कैसे नियंत्रण। राष्ट्रपति में अगर हम मान लेते हैं ए नाम की पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल किया, यही ए पार्टी विधानसभा में भी जीत गई, 14 से अधिक राज्यों में जीत गया। अब यही विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य को भी चुनेंगे, तो जो ए पार्टी यहाँ भी बनी, ए पार्टी बनी तो इसी की पार्टी के सदस्य हुए ना। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो ए पार्टी उसी पार्टी के लोग तो इन राष्ट्रपति को चुनेंगे, क्योंकि उनके अपने लोग हैं, उनके अपने ही लोग के द्वारा राष्ट्रपति को क्या कर लिया जाएगा? चुन लिया जाएगा। इसका मतलब ए पार्टी के ही लोग राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं? अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे व्यवहारिक रूप में, अगर हम देखें तो हर पार्टी यही चाहती है व्यवहारिक रूप में कि हम मजबूत बने, और मजबूत बनने की स्थिति में हम किसी भी तरीके से अपना संगठन मजबूत करें, और संगठन मजबूत करके हम कोई भी बिल पास करा लें। और बिल पास करने के लिए क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति भी हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, राज्यसभा में भी हमारा बहुमत होना चाहिए, लोकसभा में भी बहुमत होना चाहिए, और क्षेत्रीय पार्टी जो है वहाँ पर भी मेरा बहुमत होना चाहिए। अगर कोई एक पार्टी अगर लोकसभा में राज्यसभा में और राज्यों के विधानसभा में कोई एक पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेती है तो किसी भी प्रकार के कानून में बदलाव कर सकती है, और लगातार वो संविधान संशोधन लेकर आ सकती है, कई संविधान संशोधन वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विरोध की संभावना क्या है? कम है, नहीं मात्र है। आप देखो, जब ए पार्टी की हर जगह पूर्ण बहुमत है तो क्या इसका विपक्षी स्ट्रांग है? नहीं स्ट्रांग है। और जब इसका विपक्षी स्ट्रांग नहीं है तो बिल को कोई रोकने वाला है? जब उसके अपने ही ए पार्टी के लोग हैं तो उसका बिल तुरंत पास होता चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें सैद्धांतिक व्यवस्था में कभी कभी जो रूल और रेगुलेशन है वो रूल और रेगुलेशन क्या हो जाता है? फॉलो नहीं करता है और उसका उल्लंघन हो जाता है। तो व्यवहारिक रूप में जब बिल पास होने लगते हैं लगातार, तो हम व्यवहारिक रूप में यह कह देते हैं इस कंडीशन में कि इनके अंदर किस प्रकार का गुण पाया जा रहा है? तानाशाही का। इंदिरा गांधी की सरकार में आपको मैं बता दूं 42वां संविधान संशोधन जो है, कौन सा संविधान? 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान बोला जाता है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान बोला जाता है, लघु संविधान बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी की सिचुएशन कभी उस समय ऐसी बनी थी, और आज वही सिचुएशन बीजेपी की बन रही है। वही सिचुएशन बन रही है कि नहीं बन रही है? राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी पार्टी उभर के आ रही है, क्षेत्रीय पार्टी में हमें यूपी का चुनाव देख ही रहे हैं आप, आधे से अधिक राज्यों में समर्थन, लगातार जीएसटी अगर बिल पास हो गया जो सदियों से नहीं पास हुआ वो इसी का फल था, नहीं तो क्या बिल पास हो पा रहा था? क्योंकि विपक्ष मजबूत स्थिति में होता था, सत्ता पक्ष कमजोर स्थिति में होता था, और जब सत्ता पक्ष कमजोर हो विपक्ष भी मजबूत हो तो किसी भी बिल को आप इसके तहत पास करवा पाओगे? नहीं।
तो इसके लिए आपको ये सब जगह में ए नाम की पार्टी को क्या होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। इंदिरा गांधी के समय जब 42वां संविधान संशोधन किया गया तो वही सिचुएशन में थे। मोदी जी की जो सरकार आई लगभग अब यही सिचुएशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही नहीं? तो अब इस तरीके की विशेषताएं संविधान में बदलाव देखने को मिलेंगे तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये तानाशाही क्या हो रही है, विशेषताएं हो रही है। क्योंकि अब देखो वो अपने जगह पे कितना सही है, अभी उसके भी बारे में बता रहा हूं कि जो इस तरीके का अगर आरोप लगा रहे हैं तो किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं और इनके पीछे जो मंशा है वो कैसे, ये जब हम सकारात्मक और नकारात्मक में निष्कर्ष में देंगे तब समझ में आएगा। लेकिन देखो सिस्टम है कि नहीं है, इस सिस्टम के आधार पर चल के आप कानून बदल करके, यानी कि लोग तानाशाह, अच्छा किसकी विशेषता होती है, राजतंत्र की ना, तो आप कहेंगे कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। अब वही व्यवस्था आएगी जो पहले इतिहास में था, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी अगर ये सारी परिस्थितियां बन जाएगी, ये सारी परिस्थितियां बन जाएंगी तो आप कह सकते हो ना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बावजूद भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था व्यवहारिक रूप में देखने को मिल सकता है। तार्किक रूप में समझ में आया? सिर्फ अनुच्छेद रट लेने से संविधान के ज्ञाता नहीं हो पाओगे, हर चीज को कोरिलेटेड करेंगे तब जाकर इसकी बारीकी समझ में आएगी। इन सारे चीजों को समझो और समझ को कोरिलेटेड करो तब किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। बाय द वे आयोग ने इस तरीके का क्वेश्चन बनाया तो आपको लिखना पड़ेगा ना, या किसी ने पूछ ही लिया तो आप ये समझोगे ना, किसी ने बोल दिया नहीं मोदी की सरकार राजतंत्रात्मक आई, इंदिरा गांधी की सरकार तानाशाही लेडी के रूप में दिखाई, अरे भैया दिखाई दी तो कैसे दिखाई दी, आप दूसरे के सुनी सुनाई बातों को बस समझ लिए और वैसी छवि बना ली। सिस्टम को जानो ना, सिस्टम को जानो, सिचुएशन को जानो। अगर हमारे कभी कभी सिचुएशन ऐसा बन जाता है, उस सिचुएशन में अगर मेरा सिस्टम मेरे अनुकूल है तो हम वहां पर तानाशाह जैसा व्यवहार भी कर सकते हैं। अभी उसको हम सकारात्मक और नकारात्मक में बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं अभी जरा समझना है इस चीज को। इतनी बातें समझ में आई? आप लोगों को लेट तो नहीं हो रहा है? ठीक है, लेक्चर खत्म हो जाने दो तब। मैंने कहा था कि लगभग 7:15 बजे तक होगा और जिसको जाना भी हो वो चले जाए, अगर वीडियो ठीक ठाक इस पर अपलोड रहेगा कुछ दिक्कतें नहीं आएगी तो उसको लोड भी कर दिया जाएगा। क्लियर? लेकिन ये है कि जो मजा ऑफलाइन में वो मजा थोड़ा सा छोटे स्क्रीन में ऑनलाइन में नहीं समझ में आता है। क्लियर? अब देखना, इतनी सिचुएशन हो गया, अब राज्यपाल की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर किसी जगह विपक्षी पार्टी ने सरकार बना ली भी, मतलब 14 राज्यों के अलावा भी अगर राज्यपाल बना है, तो एक चीज आप जानते हो ना, एक अनुच्छेद नंबर है 200। अनुच्छेद नंबर 200 में ये कहा गया, अनुच्छेद नंबर 200 में अगर विधानसभा कोई बिल पास करके राज्यपाल को सिग्नेचर के लिए भेजती है तो राज्यपाल को ये पावर दिया गया है कि वो बिल कहाँ कर भेज सकती है, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेगा, राज्यपाल को ये कहेगा कि आप इस पर कानून बनाइए अन्यथा न बनाइए। अगर राष्ट्रपति को समझ में आएगा कि यह मामला राष्ट्रहित को लेकर है तो राष्ट्रपति विधानसभा के द्वारा पास किए गए बिल राज्यपाल के लिए, जो हस्ताक्षर के लिए भेजा था और राज्यपाल जब उसके पास भेजता है तो राष्ट्रपति उसको क्या कर देगा, रोक देगा। अब आप जानते हो राष्ट्रपति किसके सलाह पे कार्य करता है, अनुच्छेद नंबर 74 के तहत राष्ट्रपति पीएम के सलाह पे कार्य करता है। और लोकसभा में किसी एक पार्टी की सरकार बनी है तो वो पीएम अगर देखेंगे भाई सरकार का सवाल है तो पीएम को सलाह देंगे, नहीं ये राष्ट्रहित का मामला विपरीत है, तो राष्ट्रपति कभी भी उस बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए कहेगा नहीं। तो इसका मतलब इसी के आधार पर कुछ लोग ये कह देते हैं कि राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार का क्या होता है, एजेंट होता है। एजेंट कैसे होता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद नंबर 74 के आधार पर यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा।
और जब प्रधानमंत्री के सलाह पर कार्य करेगा तो राज्यपाल उसी के आधार पर नियुक्त होगा और राज्यपाल केंद्र के प्रति रिस्पांसिबिलिटी होगा। तो ऐसा मतलब कि विधानसभा के द्वारा पास किया गया बिल पर क्या होगा, रोक हो जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ लोग कह देते हैं वो एजेंट है, तो जब एजेंट है तो तानाशाह की विशेषता दिखाई दे सकती है, कुछ लोग ये भी कहते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो कुल मिलाकर राज्यपाल भी केंद्र के हाथों में हो गए, विधानसभा भी हो गया, राज्यसभा भी हो गए, राष्ट्रपति भी हो गए, सब जगह। तो किसी भी प्रकार के बिल पास करवाने में कोई दिक्कत नहीं, सब तो अपने हैं। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? सब सिस्टम में बंधा हुआ है, सब सिस्टम में बंधा हुआ है। अब देखना, अब हमारा निष्कर्ष पे आता है। इतनी चीज पर पूरी चीजें समझ में आ गई ना? थोड़ा सा फास्ट जरूर चल रहा है, बट ये रिवाइज करके इस पर जाके देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। किस पर आते हैं? निष्कर्ष पे आते हैं। अब आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इस प्रकार का सिस्टम अगर बन जा रहा है तो हमारे देश के लिए कितना हित है और कितना अहित है, इसको अगर आपको बोलना होगा तो आप इस पर अपनी क्या राय देंगे? 50-50। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। देखिए, अब मैं इसके निष्कर्ष तक पहुंच रहा हूं। निष्कर्ष में पहला लक्षण हम नकारात्मक में देंगे। किसमें? नकारात्मक में। नकारात्मक मतलब एक तरीके से विपक्षी वाले का आरोप, विपक्षी पार्टी का क्या हो सकता है आरोप? मैं नहीं दे रहा हूं भाई, विपक्षी वाले, समझ रहे हो? नहीं, विपक्षी आरोप। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी सरकार का विरोध कर रहा हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ और एक नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि हम राष्ट्र के बारे में अच्छा ही सोचें, ठीक है? इसलिए निष्पक्ष रूप से हम अपनी बातें कर रहे हैं जितना मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है? इसलिए हम सकारात्मक नकारात्मक दोनों लक्षण बताने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी वाले का आरोप क्या है? अब देख रहा हूँ, विपक्षी वाले का आरोप ये होता है कभी कभी कि जैसे होता क्या है, एक चीज आप ये जानते हो, निष्कर्ष देने से पहले इस पर कुछ आप ये देखेंगे कि हमारे इतिहास की कुछ विशेषताएं हैं। अब देखो, ये तीन प्रकार की लोकतंत्र की विशेषताएं हैं ना, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, इसी के आधार पर आलोचना होगी। जो विपक्षी वाले देंगे, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषताएं हैं, अगर वो हित में नहीं हो पा रहे हैं तो विपक्षी वाले का आरोप होगा। जैसे आप जानते हैं हमारे इतिहास में कुछ वर्ण व्यवस्था हैं, वर्ण व्यवस्थाएं नहीं है, तो वर्ण व्यवस्था का मतलब जाति, कि ये क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, ये मतलब इस तरीके के हैं कि नहीं? हाँ, अब ये वाली सिस्टम याद करना। कुछ लोग कहते हैं हमारे के यहाँ बहुत प्रकार के संप्रदाय हैं, हालांकि जाति भी एक तरीके से संप्रदाय में ले सकते हैं, ये ईसाई है, ये बौद्ध है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? अब देखना, जब ये हमारे के यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है सामाजिक क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में, जातियों के क्षेत्र में, धर्म के संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में, इतनी जो डाइवर्सिटी है, इन डाइवर्सिटी को देखते हुए लोग यही कहते हैं कि जो हमारा संविधान बना है वो सबके हितों के लिए बना है। तो लोगों को विपक्षी के, पहली बात, हमेशा ये डर बना रहता है, सभी लोगों की ये डर बना है कि हमारे के यहाँ जो एक पार्टी होती है वो पार्टी किसी विचारधारा से रिलेटेड होती है। सबकी अपनी अपनी क्या है, विचारधारा है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई पार्टी किसी विशेष वर्ग से भी जुड़ा है, इनकी पार्टी इनकी स्पेशल जाति है, कुछ लोगों का ये भी आरोप होता है। तो इस आधार पर ये कहते हैं कि इनका अपना हित होगा, बाकी इसमें अन्य वर्गों की क्या हो रही है, उपेक्षा हो रही है, अन्य वर्गों की क्या हो रही है, उपेक्षा हो रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं? समय समय पर कुछ और कानून बनते, अन्य वर्गों की उपेक्षा हो रही है, तो जब अन्य वर्गों की उपेक्षा हो रही है तो ये लोकतंत्र का क्या है? ये लोकतंत्र, लोकतंत्र में सभी जनता का कल्याण होना चाहिए ना, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये विशेषता अगर दिखाई देगी तो आप कह सकते हो ना कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो नहीं कर रहा है।
सपोज करिए, मान लीजिए कि अगर विपक्षी सत्ता पक्ष की पार्टी जहाँ जहाँ सरकार बनी वहाँ अच्छी लाइट मिल रही है, वहाँ की सड़कें अच्छी हैं, वहाँ के लोगों को शिक्षा में सुविधा मिल रही है, और जहाँ विपक्षी पार्टी की सरकार नहीं बनी वहाँ लाइट बिजली पानी ये सब नहीं मिल रहा है, तो विपक्षी कुछ इसका आरोप लगा सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो आप ये कह सकते हो कि पूर्ण बहुमत की सरकार अगर ये बन रही है तो ये तानाशाह के लक्षण है कि नहीं है? हैं। बाकी जैसे वर्गों के कुछ हित की बात आती है, अगर आप अपने वर्ग के हित की बात कर रहे हैं, दूसरे वर्गों की उपेक्षा कर रहे हैं, किसी को आरक्षण दे रहे हैं, किसी का आरक्षण समाप्त कर दे रहे हैं, तो इसमें आप ये कहेंगे कि सामाजिक न्याय नहीं हो पा रहे, आर्थिक न्याय नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक न्याय में किसी को आप मतदान देने के बहुत ज़्यादा सुविधा दे रहे हो, किसी को मतदान देने से आप वंचित करवा दे रहे हो, तो आप इससे कहेंगे कि आप अपने सत्ता का क्या कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो, तो कुछ विपक्षी लोग का इस पर भी आरोप होगा। अब आप इस तरीके का अगर कानून लेकर आओगे तो मेरे पास रोकने की पावर ही नहीं है, क्योंकि आपके अपने लोग सब लोग आप ही के हैं। राष्ट्रपति को चुना आप ही ने चुना, आप ही की पार्टी लोगों ने चुना, राज्यसभा के जो मेंबर चुने गए वो आप ही की पार्टी के लोग चुने गए हैं, तो हमारी विपक्षी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कभी कभी ये सिचुएशन भी देखने को मिलता है। तो आपके मन में ये सवाल देंगे कि सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो इतिहास में इस बात का गवाह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस जजमेंट को पहले गलत दिया है उसी जजमेंट को दोबारा उसने क्या कर दिया है, सही कर दिया है। तो हम सुप्रीम कोर्ट में कितना विश्वास कर सकते हैं? कुछ विपक्षी पार्टी ये भी आरोप लगा देते हैं कि उन्होंने फला फला वाद में उस निर्णय को गलत बताया और फिर दूसरे वाद में उसी निर्णय को उन्होंने क्या कर दिया, सही कर दिया। तो हम इस पर कितना विश्वास कर सकते हैं? तो कुछ लोग इस पर भी आरोप लगा देते हैं, मतलब कुछ लोग इस तरीके के कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बहुत सारे ऐसे वाद न्याय, तब इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 137 न्याय पुनः अवलोकन। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है भाई हमसे गलती हो गई, इसीलिए उस पर पुनर्विचार करने के लिए हम फिर दूसरा वाद लेकर आ रहे हैं। है सिस्टम, सब सिस्टम बना हुआ है, लेकिन ये कि समझने समझने का क्या है, फेर है। तो व्यवहारिक रूप में ये सैद्धांतिक रूप में ठीक है, सब कुछ बना है, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसके मिसयूज भी दिखाई देते हैं और विपक्षी लोग इस तरीके का आरोप लगाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी अगर इस तरीके का सिस्टम बन जाता है तो राजतंत्रात्मक जैसी विशेषताएं दिखाई देने लगती हैं। क्लियर? तो ये कुछ नकारात्मक विशेषताएं हैं जो आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक न्याय पर सवाल हमेशा उठाते रहे, और कुछ इसके सकारात्मक पक्ष हैं। सकारात्मक पक्ष आप जरा देख लो, मैं आपको सकारात्मक पक्ष भी बता दे रहा हूं। सकारात्मक पक्ष ये है कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार हर जगह नहीं बन रही है तो कानून के कोई भी कानून पास कराने में क्या होता है, विलंब होता है। अब कानून पास कराने में इसलिए विलंब होता है क्योंकि सबके वर्ग के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बैठे होते हैं, और जब सबके वर्ग के प्रतिनिधित्व के वर्ग वाले बैठे होते हैं तो अपने अपने बात उठाते रहते हैं, तो पूरा समय तो डिस्कशन करने में चला जाता है, और जब पूरा समय डिस्कशन करने में चला जाता है तो बिल नहीं पास होता है, और जब बिल नहीं पास होता है तो त्वरित कार्रवाई नहीं हो सकती है। कोई काम बिना बिल पास किए कोई काम आगे कैसे बढ़ेगा? तो बिना बिल पास किए कोई काम जब आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या ऐसे स्थिति में देश का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम ये कहेंगे ये सिचुएशन अच्छा है कि बिल पास हो जा रहे हैं, काम आगे बढ़ेगा और तेजी से क्या होगा, विकास होगा। क्योंकि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं हो तो इतिहास इस बात का गवाह है, गठबंधन की सरकार कई बार बनी है, और गठबंधन की सरकार में मैं बताऊं, गठबंधन सरकार में कोई सरकार 5 वर्ष तक पूरा कार्यकाल सही तरीके से नहीं किया है। बीच बीच में लोकसभा का कई बार विघटन हुआ है, और लोकसभा का कई बार विघटन होगा, फिर चुनाव करवाना होगा, और फिर चुनाव करवाना होगा तो खर्च और बजट ज़्यादा पड़ेगा। तो जो चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो हम आपस में हमेशा चुनाव करवाने में व्यस्त हो जाएंगे, तो विकास कहाँ से होगा? मेरी बात समझ में आ रही नहीं? तो इस आधार पे आप ये कह सकते हैं कि नहीं, इसके कुछ सकारात्मक भी लक्षण हैं।
तो इससे दो प्रश्न बन जाते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाह की विशेषता भी दिखाई देती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि पूर्ण बहुमत की विशेषता हो तो वहां पर विकास की प्रक्रिया तीव्र भी हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखो दो तीन चीजें बातें थे। अब हमारे देश में कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होते हैं। किस स्तर पर हैं? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हैं। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान लेते हैं कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मुझे बड़ा कार्य करना है, बड़ा काम करना है, और ऐसे स्थिति में मुझे अपने देश को आगे लेके जाना है और हम लोग आपस में लड़ने लगे, वो अपने वर्ग का मुद्दा उठाने लगे, वो अपने वर्ग का मुद्दा उठाने लगे, बिल पास होने में विलम्ब हुआ, तो हम अंतर्राष्ट्रीय में जो भी बिजनेस पॉलिसी लेकर आना चाहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय कोई संधि लेना लेकर आना चाहते हैं तो वहाँ गतिरोध की स्थिति क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। तो कुछ ये भी मामला होता है, होता कि नहीं होता है? क्योंकि हमारा देश विविधता का देश है और वैचारिक रूप से जनता उतनी मजबूत भी नहीं होती है और गठबंधन सरकार बनाए रहेगा तो सबका पल्ला भारी रहेगा, सब अपने अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे स्थिति में डाइवर्सिटी में देश में विकास की प्रक्रिया भी क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है, बिल नहीं पास होता है, बिल पास होने में विलम्ब होता है, हम कठोर तरीके से कोई निर्णय लेने में कोई सरकार क्या होती है, असक्षम होती है, ऐसे भी कंडीशन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये पूर्ण बहुमत सरकार क्या है, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक लक्षण है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवहारिक रूप में तानाशाही जैसी प्रवृत्ति भी दिखाई देती है और व्यवहारिक रूप में विकास की प्रक्रिया भी तीव्र गति से देखने को मिल सकती है। हाँ, कुछ कभी कभी क्या होता है कि मुझे त्वरित सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय न हो, लेकिन हो सकता है कि पूर्ण बहुमत में दूरदर्शिता हो, आगे चल के ज्यादा लाभ हो, लेकिन इसका मूल्यांकन वर्तमान को देखते, इसका मूल्यांकन तो भविष्य में किया जा सकता है, वर्तमान में हम सटीक अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन जैसे इंदिरा गांधी की सरकार में, इंदिरा गांधी की सरकार में जिस समय निर्णय पर निर्णय लिए जाते थे उस समय बहुत सारी आलोचना हुई, तो कुछ विशेषज्ञ ने कहा ये तानाशाही प्रवृत्ति है, लेकिन आगे कुछ लोगों ने कहा कि ये उस समय का निर्णय सही भी है कुछ हद तक, और कुछ हद तक क्या है, गलत भी है। और सही और गलत में अपने अपने क्या होते हैं, तर्क होते हैं, अपने अपने क्या होते हैं, तर्क होते हैं। और उस तर्क का विश्लेषण आप तभी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जब आप संविधान के एक एक पॉइंट को सही तरीके से समझेंगे। केवल संविधान ही नहीं समझना है, आपको अपने भारत का समाज भी समझना है, आपको अपने भारत के अंतर्राष्ट्रीय इतिहास और आंतरिक इतिहास को भी समझना होगा, तब जाकर इस जैसे क्वेश्चन का आप अच्छे तरीके से मूल्यांकन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आज की क्लास कैसी लगी? एक बार, सिर्फ एक बार जाकर आप इसको YouTube पे सुन लीजिएगा, अगर देखेंगे सिस्टम सब कुछ ठीक रहा तो इसको डाउनलोड कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं? तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी में ही आपका क्लास चलाया गया फटाफट, हाँ तेज़ी से, लेकिन एक बार दो बार अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो और आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अब इसी के साथ हम क्लास समाप्त कर रहे हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम।